Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to this channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody, this is Archi Khan and welcome to another episode of MBA with Archi Khan. And in this video, I'm going to talk about XAI Bangalore, which stands for Xavier Institute of Management and Research, जिनके तीन campuses हैं, that includes in Bangalore, Kochi, Chennai. हम Kochi और Chennai पे एक separate video बनाएंगे, but इसमें मैं थोड़ा सा overview आपको जरूर दूंगी. तो सबसे पहले अगर हम XAI Bangalore की बात करें, तो it is among top B schools इन बैंगलोर स्पेसिफिकली NIRF के हिसाब से टॉप 100 बी स्कूल्स के अंदर आता है. 1991 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, PGDM कराता है, IT एंड सिस्टम्स में, ऑपरेशन में, जनरल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ये सारी स्पेशलाइजेशन में कराता है. मैंने इनकी फी स्ट्रक्चर चेक करने के लिए ओपन किया तो दैट लिंक वाज नॉट वर्किंग, बट बहुत सारी जगह मेंशन था कि यू नो लाइक समवेयर अराउंड 9-10 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है, तो आपको लाइक 12 लाख के आसपास पड़ेगा ये कॉलेज फी स्ट्रक्चर. एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ओपन द लिंक ऑफ द कॉलेज. नाउ अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एज सच वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट कई सारे स्टूडेंट्स वर्क एक्स के साथ भी अप्लाई करते हैं. कैट, C-MAT, MAT, XAT, GMAT, ATMA ये सारे स्कोर्स एक्सेप्ट करता है, जिसमें अगर हम XAI बैंगलोर की बात करें तो 75 का कट ऑफ है. मतलब अगर आप XAI बैंगलोर टारगेट कर रहे हैं तो आपका कैट में, XAT में, C-MAT में, MAT में 75 मिनिमम होना चाहिए. बट सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है क्योंकि ये बेसिकली है जिसपे आपको कॉल आ सकता है, फिर आप क्रैक कैसे करोगे क्योंकि हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं, उस बेसिस पे एडमिशन होता है. और अगर हम कोची और चेन्नई की बात करें तो 60% पे आप अप्लाई कर सकते हो. ऑब्वियसली कोची एंड चेन्नई नए कैंपसेस हैं तो आपको ये देखना है कि आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको ये ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए, कोची और चेन्नई को या नहीं करना चाहिए. बट बैंगलोर के लिए अगर आपका 75 के आसपास का स्कोर है तो आई मीन इट्स अ डिसेंट ऑप्शन टू गो विद, जिसको आप कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो बिकॉज ऑलमोस्ट 29-30 years old इंस्टीट्यूशन है. इस कॉलेज का फैकल्टीज अच्छे हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, एक्टिविटीज होती हैं, तो ओवरऑल सारी चीजें अच्छी हैं. पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट देखता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट क्या है. तो XAI बैंगलोर का एवरेज पैकेज जो कॉलेज क्लेम कर रहा है दैट इज 7,73,000, वेयर इज हाईएस्ट पैकेज 16,26,000. वेयर इज अगर हम कोची की बात करें तो कोची का दैट इज 6,79,000 का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट है 11 लाख का. और चेन्नई का जो है एवरेज है दैट इज 6,47,000 एंड हाईएस्ट इज 8 लाख. तो अगर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे तो एवरेज में इसका है ऑलमोस्ट 6.5 के आसपास, 6.25 के आसपास का, 6.5 के आसपास का चेन्नई का है एंड 7,73,000 का है बैंगलोर कैंपस का. वेयर्स हाईएस्ट इज अराउंड 16,26,000. जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से अगर जो ये एवरेज क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से बुरा ऑप्शन नहीं है. बट व्हाट आई विल रिकमेंड इज लुक एट योर प्रोफाइल. प्रोफाइल में आपको इसको कौन सी पोजिशन पे रखना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एनालाइज करनी है, दैट इज द फी स्ट्रक्चर, दैट इज द प्लेसमेंट्स, दैट इज द ROI एंड ऑल्सो कि आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है या इससे बेटर ऑप्शन नहीं है. एक बार ये भी वेरीफाई करना है कि जो कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है क्या उतना ही एवरेज पैकेज है, बिकॉज देयर सो मेनी कॉलेजेस की उनके एवरेज पैकेज में फ्लक्चुएशन होता है. ये आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा खासा अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सोच समझ के करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा. टेक योर टाइम, एनालाइज एंड देन फाइनलाइज. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, पूछो हक से ज़्यादा टैगलाइन. नीचे नंबर है 9114000222 जिसपे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं. बट फॉर दैट यू डेफिनेटली हैव टू शेयर योर प्रोफाइल टू अस सो दैट वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ राइट बी स्कूल, बिकॉज आई एम ऑल हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस ओनली. One more thing I really want to add, application form, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है 30 मार्च तक लास्ट डेट है, 1500 का एप्लीकेशन है. और जिन स्टूडेंट ने दिसंबर के 31st तक अप्लाई कर दिया था उनका एप्लीकेशन जो था दैट इज 1250 रुपीज़ का. मतलब आप 30 मार्च तक C-MAT देने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं XAI बैंगलोर के लिए. ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट ऑप्शन टू गो विद, बट यू हैव टू एनालाइज अगेन. आई एम ट्राइंग टू से बार बार क्योंकि आपका प्रोफाइल प्रोफाइल में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनका एवरेज पैकेज का कंपैरिजन, कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, फैकल्टीज, आरओआई and then finalize karna hai. So this was all about this video. I hope you like it. If you have any question, reach out to the number in the description box. As I told you, profile based colleges के लिए आप नीचे reach कर सकते हैं. उसके अलावा मुझसे कोई question है, social media handles का link दिया हुआ है. हर दिन रात को 8 बजे live मिलती हूँ, तो आपको channel को subscribe करना है अगर आपको MBA से related कोई भी छोटी बड़ी information चाहिए, और ऐसी videos के लिए बने रहो मेरे अर्शी खान के साथ. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.